हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आप सभी एक बार फिर से स्वागत है कैसे हो आप सभी आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चली है और सब कुछ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है वाटर लॉगिंग डैम एनर्जी डिस्टिपिटर स्पिलवे ये सारी चीजें ठीक है तो आज कोशिश करेंगे सारी चीजें एक साथ ही डिस्कस करेंगे विद पिक्चर वगैरह आपको फोटो वगैरह सारी चीजें दिखा देंगे इस पिलवे में जो भी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा इस पिल्वे से क्वेश्चन भी आते हैं और आपको याद होगा एनर्जी डिसिपेशन से आपके कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं कि आ, कौन सा अंडुलर जंप है कौन सा वीक जंप है कौन सा है तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे कोई डैम के बारे में जानेंगे कुछ वाटर लॉगिंग लीचिंग ड्रेनेज ये सारी चीजें जो भी हैं सारी चीजें पे क्लियर होने वाली है ओके गुड आफ्टरनून तो एक बार आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में टेलीग्राम में जो भी आपके दोस्त कम्युनिटी फ्रेंड सर्कल ग्रुप है कुछ भी है तो वहां पर एक बार शेयर कर दीजिए ओके चारों तरफ शेयर कर दिया और आपका जो टॉपिक है वो आपको पता चल चुका है तो सारी चीजें आपके डिस्कस होने वाली हैं एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग को बुला लीजिए ठीक है शुरू करते हैं अपने ठीक है गुड आफ्टरनून आशीष शुरू करते हैं ठीक है, है? शुरू करते हैं अपनी क्लास ठीक है पहला आपका है देखो पहला आपका जो टॉपिक है वो है आपका वाटर लॉगिंग क्या है आपका वाटर लॉगिंग अब वाटर लॉगिंग का क्या मतलब है देखो वाटर लॉगिंग का मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि पानी कहीं पे भर गया है ठीक है और अब इसका मतलब ये नहीं देखो वाटर लॉगिंग और फ्लड में दो डिफरेंस है मतलब एक दो डिफरेंस है फ्लड का मतलब कि पानी आपका एक जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाना है वाटर लॉगिंग का मतलब कि आपकी जो सेचुएशन लेवल है ठीक है जो मतलब सेचुएशन है सॉइल का वो पूरी तरह हंड्रेड परसेंट हो गया है और क्या है कि थोड़ी बहुत आपके पानी वहां पे बढ़ा हुआ है थोड़ा सा ज्यादा है बाढ़ की कंडीशन नहीं आई वाटर लॉगिंग का मतलब कभी भी बाढ़ नहीं होता है ठीक है सबसे मेन डिफरेंस आपका ये होता है कि वाटर लॉगिंग का कभी मतलब ये नहीं होता कि बाढ़ आ गई ये होता है कि आपका जो कैपिलर कैपिलरी जोन होते हैं कैपिलरी पोर्स होते हैं ठीक है पूरा आपका भरा रहता है पानी से तो आपके जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाती क्योंकि हर जगह पे उस पे पानी मिलता है ठीक है पोर्स नहीं होंगे पोर्स में पानी रहेगा ठीक है, है तो जाएगा कहाँ पे रूट्स तो वो सारी प्रॉब्लम आती है वाटर लॉगिंग में ओके okay. तो स्टार्ट करते हैं अपने ठीक है देखिए आपका है वाटर लॉगिंग ठीक है वाटर लॉगिंग में आपका क्या है कि आप बताए ना कि आपका जो पानी है इसे एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर टेबल आपका बढ़ जाता है ठीक है वाटर टेबल राइज कर जाता है ठीक है और जो आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी है लैंड की जो जो फर्टिलिटी एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्टिव कैसे कहने की कह सकते हैं क्रॉप को प्रोडक्ट करने की वो कम होती है ठीक है वाटर लॉगिंग की वजह से और इसके कॉजेज क्या क्या है किस वजह से होता है ठीक है देखिए कॉजेज आपकी

पूरा का पूरा पानी आपका सीपेज में हो जाएगा तो ड्रेनेज भी आपका प्रॉपर होने चाहिए बारिश बारिश और में क्या होता है समय में जैसे बहुत लगातार बारिश होती है ड्रेनेज प्रॉपर नहीं रहता है तभी क्या होता है वाटर लॉगिंग आती है ठीक है मतलब पानी आपका भरा भरा पूरा दिखता है खेतों में ओके डेली लाइफ में एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है चलिए दूसरा आपका है जैसे सीपेज फ्रॉम कैनाल सिस्टम ठीक है कैनाल सिस्टम में जैसे जो आपकी कैनाल बनी हुई है कैनाल बनी हुई है नाल के बगल बगल से जो उसके साइड्स हैं वहां से सीपेज हो रहा है ठीक है वहां से सीपेज हो रहा है तो भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है तीसरा क्या है आपका ओवर इरीगेशन जैसे आप रात में कहते हैं ना कि रात में हम मोटर चला के खेत पे आ गए वापस तो रात भर पानी इतना ज्यादा हो गया कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन जनरेट हो जाए तो वो हो जाता है आपका ओवर इरीगेशन ज्यादा इरीगेशन हो जाए किसी रीजन से और नेचुरल ड्रेनेज में आपका ऑब्स्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ ए नेचुरल ड्रेनेज ये सारी चीजें आपकी ठीक है और आपका एडि, एडि, इन एडिक्यूट कैप्सिटी ऑफ ए आर्टिकल ये आपके कॉजेज होते हैं और इसके इफेक्ट जो है इफेक्ट इसके पड़ते हैं कि इन इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया ठीक है इनकी इनहिबिटिंग एक्टिविटी आती है उसमें डिक्रीज आता है सॉइल टेम्परेचर जो है वो आपका कम हो जाता है जितना टेम्परेचर उससे कम हो जाता है और जो सॉल्ट का लेवल है वो राइज हो जाता है ठीक है तो उसके राइज होने से भी आपकी प्रॉब्लम होती है ठीक है उसके बाद आपका कल्टीवेशन जो ऑपरेशन है उसमें भी डिले होता है ठीक है यानी कि जब आपका जो आपने बीज बोया है पानी ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया तो वो बढ़ेगा कैसे तो उसमें भी डिले हो जाएगा ठीक है और ग्रोथ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा वाइल्ड फ्लोरा का मतलब जो जंगली घास फूस होते हैं ना उनकी बढ़ वो बहुत ज्यादा जमते हैं वो बहुत ज्यादा उग जाते हैं आपके पानी बहुत ज्यादा है तो वो हर जगह हर जगह अपने आप ही होते हैं अपने आप वो भी उग जाएंगे ठीक है और कम्युनिटी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है यानी कि जब एकदम हमेशा से पानी भरा रहेगा तो टेम्परेचर डाउन रहेगा ठीक है और मच्छर मलेरिया भी भी तो के तो अब हमें कौन कौन से मीजर अडॉप्ट करने चाहिए कौन कौन से मीजर अडॉप्ट करने चाहिए ठीक है ये चीजें हमें देखने कि वाटर लॉगिंग आप कंट्रोल कर सको क्या कर सको वाटर लॉगिंग आप कंट्रोल कर सको तो सबसे बेस्ट तो आप कर सकते हो जैसे एक, एक एक रीजन था आपका कि कैनाल की वजह से हो रहा था ठीक तो... <coughs> तो है यही है कि कैनाल की लाइनिंग कर दिया जाए अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम हर कैनाल की तो लाइनिंग कर नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते एट पे हम बोल्डर रख सकते हैं है ना बोल्डर वगैरह रख सकते हैं ठीक है थीके? तो क्या होगा कि आपका तब भी काफी हद तक काम हो जाता और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है उसको रिड्यूस करना है ठीक है यानी कि इरिगेशन की इंटेंसिटी जो फ्रिक्वेंट है उसको कम कर सकते हैं अब यू वाटर का ऑप्टिमम यूज करना है ठीक है और बाकी इसी तरह से कई सारी चीजें आती हैं कि आपका जैसे प्रोविजन ऑफ इंटरसेप्टिंग ड्रेन ठीक है प्रोविजन ऑफ एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट डिवीजन ड्रेनेज सिस्टम हमें बना देना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से अब इसके बाद आपका आता है

Lossage जो होगा ठीक है एक तो इवेपरेशन दूसरा आपका सीपेज ठीक है हैेशन सीपेज ठीक है इवेपरेशन में यानी कि पानी आपका इवेपरेट हो गया वापस से एटमोस्फियर में चला गया और सीपेज में आपका क्या हो गया ठीक है सीपेज कहां कहां से होता है एक तो बेड से दूसरा साइड से होगा तो कहां पे मतलब किन दो फॉर्म में होगा एक तो एब्जॉर्प्शन दूसरा परकोलेशन ठीक है अब वो दो चीजें अभी क्लियर करते हैं आपको ठीक है तो ये हो गया अब ये जो आपका लॉस होते हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है अब मान लो कि धूप निकल ही नहीं रही है कोई ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा ठंडी जगह है तो वहां पे इतना ज्यादा नहीं होगा ठीक है और ठंडा जगह तो सीपेज भी शायद ज्यादा ना हो ठीक है तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है जगह जगह पे ठीक है डिफरेंट एटमोसफेयर कंडीशन पे ठीक है और एक चीज इसमें क्या होती है कि इवेपरेशन जो हो रहा है अगर धूप निकली तो इवेपरेशन होना ही होना है उसको हम प्रिवेंट एक ही तरीके से कर सकते हैं मैंने जो आपको बताया था कि आजकल कुछ कैनाल में क्या हो रहा है हम इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं हम सोलर पैनल लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या है सोलर पैनल क्यों लगाने से बिजली भी जनरेट कर ले रहे हैं और ये पानी भी ओपरेट नहीं हो रहा है ये फायदा हो जा रहा है आपका ठीक है तो ये लेकिन ये हर जगह नहीं कर सकते ना तो हम ये मानते हैं कि नाइनटी फाइव परसेंट तक हम इसको रोक नहीं सकते लेकिन सीपेज वाली चीज को हम रोक सकते हैं लाइनिंग से तो लाइनिंग भी हर जगह नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही होना है ठीक है कुछ ना कुछ लॉस होना ही होना है ठीक है तो वही चीजें हैं यहां पे ठीक है अब देखिए यहां अब एब्जॉर्न और, देख लेते हैं, है? और है? आपका क्या होता है कि जैसे जब आपका वाटर टेबल काफी ज्यादा अंदर तक रहता है ठीक है वाटर टेबल आपका काफी ज्यादा अंदर तक रहता है और पानी जो है ठीक है जो आपने खेतों में पानी डाला वो एब्जॉर्ब हुआ जमीन के अंदर गया लेकिन उस जैसे वहां अंदर गया तो एक एक लेयर आपकी सैचुरेटेड बन गई लेकिन क्या है वाटर लेवल आपका नीचे है तो उसके बीच में आपका एक अनसे जोन भी रहेगा और उसके बाद फिर से आपका कैपिलरी जोन और जोन ऑफ सेचुरेशन रहेगा ये हो जाता है आपका परकोलेशन में क्या होता है कि आपका जो पानी एब्जॉर्व होकर अंदर जाएगा ठीक है जो पानी एब्जॉर्व होकर अंदर जाएगा वो पूरा का पूरा आपस में किससे मिल जाएगा जोन ऑफ सैचुरेशन से मिल जाएगा ठीक है वही चीज है देखिए जब वेन इज क्लोज टू द ग्राउंड लेवल द सीपिंग वाटर में स्टेबलिश डायरेक्ट ऑफ कंटिन्यूस फ्लो बिटवीन कैनाल सेक्शन एंड वाटर ठीक है मतलब कि अपने आप में एक रिलेशन बन जाएगा पूरे के पूरे आपस में कोई इसके बीच में अनसेचुरेटेड जोन नहीं रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या परकुलेशन ठीक है क्लियर चलिए हाँ बिल्कुल शेयर कर दो बेटा एक बार शेयर और लाइक इसमें कमी नहीं रखिएगा ठीक है चलो ये आपका हो गया अब इसके एक टर्म आता है लीचिंग क्या है आपका लीचिंग लीचिंग मैंने आपको बताया था पहले भी स्टार्टिंग की क्लास में लीचिंग क्या है

थोड़ी बहुत हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी उसके बाद और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसके लिए क्या कर सकते हैं हमें क्या करना होगा कि ऐसी कोई फसल बो दें ऐसी कोई फसल बो दें जो आपके अल्कली सॉल्ट जो है ठीक है उसको क्या करें कि थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करें अब वो फसल कौन सी है जैसे आपकी फॉर्डर है क्या है आपकी फॉर्डर है ठीक है फॉर्डर मतलब आपका होता है चारा क्या होता है चारा ठीक है तो ये सब चीजें जो ये जो फसलें होती हैं ठीक है ये क्या होती है आपकी कि जो सॉल्ट है उनको कम कर देती है ठीक है क्या कर देते हैं कम कर देती है तो एक कैसे कम किया आपने पानी से वाटर लॉगिंग कर दिया तो पानी के अंदर जाने की वजह से सॉल्ट अंदर गया दूसरा आप ऐसी कोई फसल बो दो जिससे आपका जो सॉल्ट बचा हुआ है थोड़ा बहुत वो भी आपका कम हो जाए तो ये आपका हो गया लीचिंग क्या हो गया लीचिंग अब लीचिंग की रिक्वायरमेंट देख लीजिए ठीक है क्या है आपका लीचिंग रिक्वायरमेंट लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है टर ड्रेन आउट पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेप्थेशन अपलाइड पर एरिया ठीक है क्या है ठीक है डी डी अपॉन डी आई ठीक है डेप्थ ऑफ ड्रेन वाटर ठीक है डेप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर ड्रेन आउट ठीक है ड्रेन आउट तो आपका डी और डेप्थ ऑफ इरीगेशन अप्लाइड पर यूनिट एरिया ठीक है ये आपका हो गया लीचिंग रिक्वायरमेंट अब लीचिंग रिक्वायरमेंट जो है ठीक है ये आपका जनरली परसेंटेज में शो किया जाता है और ये किसके इक्वल होता है देखिए डी डी अपॉन डी आई टू सी आई अपॉन सी डी अपॉनआई अपॉन ईसी डीसी क्या आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये पहले आपको पढ़ाया जा चुका है ठीक है याद करो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने बताया था माइक्रो मो पर सेंटीमीटर में मीजर करते हैं जीरो से लेकर के बाईसो पचास के बीच में वैल्यू थी जीरो से ढाई सौ ढाई सौ साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ बाईस पचास और बाईस पचास से ऊपर ठीक है ये चार वैल्यू थी लो मीडियम हाई और वेरी हाई जो पूछा भी जाता है कभी आपसे एग्जाम में तो यहाँ पे सीआई और सी डी क्या है? ये जो आपका टर्म है अपॉन अपॉन किसके इक्वल क्या क्या है है ये ये सॉल्ट कंटेंट ऑफ इरीगेशन वाटर और सी डी क्या है सॉल्ट कंटेंट ऑफ ड्रेनेज और लीच्ड वाटर क्या है सॉल्ट कंटेंट ऑफ ड्रेनेज और लीच और इसी क्या है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरीगेशन वाटर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लीच्ड वाटर सेम आपका आईओ डी वही है तो बस नाम हमें याद रखना है सी क्या है सॉल्ट कंटेंट है ठीक है डी क्या है डेप्थ ऑफ इगेशन वाटर है ईसी क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ठीक है तो ये चीज आपको आई होप याद रहेगा है ना अब इसके बाद देखिए टोटल डेप्थ द डेप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर डी आई टू बी अप्लाइड ठीक है कितना है देखो एक तो आपका कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट डी है जिसको हमने क्या मान लिया जो कंजम्पटिव यूज का एक्चुअल हमें सिंबल क्या रहता है सी सफिक्स में यू और लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है आपकी डी डी तो डी आई आपका ठीक है किसके बराबर डेप्थ ऑफ किसकेरिगेशन वाटर किसके बराबर पर डीसी प्लस डी डी यानी रिक्वायरमेंट ठीक है अब लीचिंग लीचिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट देखिए अभी आपने क्या देखा था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखिए लीचिंग रिक्वायरमेंट आपका एल आर इल टू क्या है डीडी अपॉन डी आई तो डी डी की वैल्यू कितना हो जाएगी एल आर इंटू डी आई क्या हो जाएगा एल आर इंटू डी आई इज्कल टू डी डी हो जाएगा तो वही चीज यहाँ पे लिखा है डी डी की वैल्यू क्या लिख दिया एल आर इन टू डी आई अब -आई इधर भी है इधर इधर भी भी है है ठीक है तो हमने क्या किया इधर इसको बुलाया कॉमन कौ, लिया वन बचा तो -आई तो क्या हो गया डीसी डिवाइडेड बाई वन माइनस एल आर ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला किसका डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर ठीक है किसका हो गया डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर समझ गए बिल्कुल क्लियर क्लियर एक बार शेयर कर दीजिएगा ओके चलिए अब इसके बाद आपका आता है लैंड ड्रेनेज क्या है आपका लैंड ड्रेनेज लैंड ड्रेनेज का मतलब यह है कि आपका जो वाटर है जो पानी आ रहा है वो इजिली ड्रेनड हो जाए क्या हो जाए इजिली ड्रेन हो जाए ठीक है लैंड ड्रेनेज का मतलब यही है कि जो पानी आपका कहीं से भी आ रहा है वो ड्रेन हो जाए इजिली वो आपका हो जाएगा आपका लैंड ड्रेनेज ठीक है और कैसे ये ड्रेन हो सकता है ठीक है कैसे आपका ये ड्रेन हो सकता है हम चाहे छोटे छोटे वाटर कोर्स बना ले कह सकते हैं नालियां बना ले और वो नालियां ठीक है सरफेस भी हो सकता है जैसे आपके कहां सकते हैं। हम तो रिवर में मोड़ दें स्ट्रीम में डिचे में कलवर्ट में ठीक है कहीं से भी आपका पानी बस फ्लो हो जाए इजली रुके ना पानी वो आपका लैंड ड्रेनेज अब लैंड ड्रेनेज में आपका क्या है दो दो टाइप के हैं सरफेस और सब सरफेस सरफेस में यानी कि जब ऊपर ऊपर से ही आपका सरफेस से ही किसी भी माध्यम से आपका पानी ड्रेन हो जाए तो वो हो गया आपका ड्रेनेज लैंड सरफे ड्रेनेज सर्फे ड्रेनेज जनरली क्या होता है जैसे बारिश बारिश का पानी आया तो वो इजीली ड्रेन हो जाए कहते हैं गया रन ऑफ हो गया या ग्रेविटेशनल वाटर आपको याद होगा आप ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन ग्रेविटेज थ्रो इधर उधर अपना चला गया तो वो ड्रेन होकर के कहीं चला गया लेकिन कहीं तो रुका होगा तो वो पानी कहीं डायरेक्ट आपका रिवर में नाला में नदी में मतलब जो भी आपका स्ट्रीम है कैनाल है कहीं वहां पर चला जाए कहीं इकट्ठा ना हो वो आपका सॉरी वो आपका क्या हो गया ड्रेनेज सरफेस ड्रेनेज अब सर्फ सब सरफेस ड्रेनेज क्या है आपका कि जमीन के अंदर से आपको ड्रेनेज कराना है कहां से ठीक है और देखिए जो आपके सरफेस ड्रेन थे वो आपके सैलो या डीप सरफेस ड्रेन कुछ भी हो सकते हैं ठीक है सब सरफेस ड्रेन ठीक है सब सरफेस ड्रेन आपके जो है ठीक है वो क्या होते हैं आपके जो जमीन के अंदर से आपने व्यवस्था कर दिया है कि पानी वहां तक जाए तो अपना फिर वो अपना चला जाएगा कहीं भी रिवर या नाला नली ना, नाला स्ट्रीम कैनाल कहीं भी, भी आपका मिल जाएगा वो आपका सब सरफेस और एक आपका आता है टर्म अंडर ड्रेन या टाइल ड्रेन क्या है आपका अंडर ड्रेन या टाइल ड्रेन ये क्या होता है टाइल ड्रेन आर लोकेटेड एट अ सुटेबल डेप्थ बिलो द ग्राउंड सर्फेस मतलब तो की ग्राउंड सर्फेस के नीचे आपके ये सेट किए जाते हैं एक तरह से कह सकते हैं आपके ये सब सर्फेस ड्रेनेज होते हैं ठीक है अब सॉइल कहा इम्परवियस के ऊपर जैसे जनरली आपके क्ले

ड्रेन हो गया देखिए यही चीज यहां पे भी है आपका अनड्रेन कंडीशन में आपके प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाती और ये पहले भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था यहाँ पे देखिए ड्रेन कंडीशन में आपकी प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रही है ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्योंकि जब आपको जगह ही नहीं रहेगी जड़ों के जाने की जगह ही नहीं रहेगी तो जाएगा कहाँ पे समझ रहे हो और ये पानी आपका ये जो नालियां है देखिए कुछ इस तरह से ऐसे बाहर निकली रहती हैं ठीक है यहाँ से पानी आपका निकल जाता है ठीक है क्लियर ये आपका हो गया अब वापस चलते हैं ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना चलो आप लोग कुछ बोलो नहीं रहे हो ठीक है कुछ बोलो नहीं रहे चलो कोई बात नहीं आई होप ठीक है अब अपने वापस चलते हैं ठीक है अब इसके बाद आपका है अंडर ड्रेन अब देखो ये आपने देख लिया अब इसके कई सारे लेआउट होते हैं जो आपके टाइल ड्रेन है ये कई सारी तरीके से लगाया जा सकता है डायरेक्ट हम नम नाम देखेंगे एक तो आपका नेचुरल हो सकता है ठीक है ये कहां पे प्रिफर किया जाता है रोलिंग टोपोग्राफी में जहां पे आपकी टोपोग्राफी वो आपके रोलिंग हो दूसरा ग्रिड आयरन लेआउट आपके लेआउटर किया जाती है लेवल में तीसरा हेरिंग बोन पैटर्न ये कहाँ प्रीफर किया जाता है जब सब मेन इज लेड इन डिप्रेशन होता है चौथा डबल मेन सिस्टम ये कहा प्रीफर किया जाता है बॉटम ऑफ डिप्रेशन इज वाइड होता है ठीक है और इंटरसेप्टिंग टाइल ड्रेन आपका जब आपका हिली लैंड होता है ठीक है आपका हिली लैंड होता है तो देखिए इसके प्लान देख लीजिए ये है आपका नेचुरल ये आपका ग्रिड आयरन है ठीक है और इधर आपका हेरिंग बोन और डबल मेन और इंटरसेप्टिंग मेन ये कुछ इस तरह से आपके टाइल ट्रेन सेट किए जाते हैं ठीक है ये कुछ इस तरह से आपके टाइल ट्रेन सेट किए जाते हैं क्लियर चलिए अब देखिए इसके बीच में आपका है रिलेशन टू रिलेशन जो प्रिडिक्ट द स्पेसिंग बिटवीन टाइल ड्रेन

डेप्थ ऑफ इम्परवियस बी क्या है आपका यहाँ पे देखिए बी बी क्या है मैक्सिमम हाइट ऑफ द ड्रेन वाटर ठीक है ये maximum height है. और ये आपकी यहाँ पे आकर के मिल रहा है एक्स देखिए एक्स आपका है एनी हॉर्जेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ड्रेन मतलब कोई सी भी आपने हॉर्जेंटल डिस्टेंस ले लिया और वाई आपका क्या है हाइट ऑफ ड्रेन

ठीक है कि आपका पर मिलती और बी और ए जस्ट अभी हमने यहां पे दिखाया था आपको बी और ए क्या है ठीक है ये आपका हो गया स्पेसिंग का फॉर्मूला ये फॉर्मूला ध्यान रखना कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है ठीक है पूछ लेता आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ओके चलिए क्लियर हाँ चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं स्पेसिंग जो आपकी है ड्रेन की स्पेसिंग ऑफ ड्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ड्रेन ठीक है ये आपके इंडिपेंडेंट होती है दूसरा आपका क्या है

कि जो वाटर आपका हो रहा है रिमूव हो रहा है वो ठीक है वो, उसका रेट आपका ड्रेनेज कोफिशियंट है ठीक अब इसमें क्या है इसको जो एक्सप्रेस करते हैं इट इज एक्सप्रेस एट डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर और मीटर टू बी रिमूव इन ट्वेंटी फोर यानी कि चौबीस घंटे में जितना पानी आपका रिमूव होगा उसी को उसी का डेप्थ है सेंटीमीटर या मीटर में हम शो करते हैं ठीक है और इसकी रिकमेंडेड वैल्यू होती है कितने वन परसेंट ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल टू बी रिमूव पर डे एक परसेंट किसकी एवरेज एनुअल इनफॉल की रिमूव पर डे ये आपका हो गया ड्रेनेज कॉफी ठीक है और किस पे डिपेंड करता है आपका आपका रेनफॉल टाइप टाइप ऑफ 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 डिग्री सरफेस ये ये सारी चीजों पे okay, तो ये आपका यहाँ पे ओके तो क्लियर वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज ये सारी चीजें आपकी हो गई लॉसेस इन कैनाल अब आपका यहां से है डैम्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन क्या है आपका डैम्स एंड इट क्लासिफिकेशन ठीक है डैम्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन ठीक है चलो अब देखो डैम आपको पता है Weir बैराज आपने पढ़ा था डैम का क्या मतलब होता है डैम क्यों बनाते हैं कि जो आपका एक्सिस वाटर है अब वो एक्सिस वाटर किसी भी रीजन से हो सकता है चाहे रेनफॉल की वजह से हो गया हो चाहे आपके बाढ़ की वजह से हो जाए ठीक है उसको प्रिवेंट करने के लिए ठीक है हम डैम बनाते हैं और डैम बनाने का सिर्फ एक पर्पज कभी नहीं होता मतलब हम जैसे एक होता है ना कि इरिगेशन सिर्फ करने के लिए डैम बना रहे हो पानी बचा रहे हैं कि जब कभी बारिश नहीं हुई ये पानी काम ले जाएगा दूसरा डैम बनाने के रीजन ये भी होता है फायदा ये भी होता है कि जहां पे पानी सप्लाई नहीं है हम डैम बनाएंगे तो पानी हमें काफी एक अच्छे लेवल तक मिल जाएगा बहुत ज्यादा डिस्चार्ज बहुत ज्यादा पानी मिल जाएगा तो जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है हम कैनाल के थ्रू वहां पे पानी पहुंचा सकते हैं ठीक ये फायदे हो जाते हैं और फायदे क्या होते हैं बिजली जनरेट कर सकते हैं ठीक है बिजली बनाने के काम में बिजली के बनाने के काम में आ जाता है आपका मछली सॉरी मछली मच, पालन काम में आ सकता है ठीक है मछली पालन हो सकता है और बहुत सी चीजें हो सकती है नेविगेशन तो डैम में खैर हम कहेंगे नहीं हो सकता ठीक है लेकिन जहां पे पॉसिबल है वहां पे हो भी सकता है ठीक है तो ये सारी चीजें है आपके डैम के फायदे ठीक है ये इसलिए हम डैम बनाते हैं ओके अब देखिए इसके बाद

है, जैसे देखो लिखा है पावर जनरेशन डाइवर्टिंग अब देखिए हम देखते हैं है है, कौन कौन से है इसमें तीन टाइप आएगा एक आपका स्टोरेज डाइवर्जन और डिटेंशन स्टोरेज डैम नाम से ही क्लियर है कि डैम क्यों बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए ठीक है एज कह सकते हैं रिजर्व ठीक है रिजर्व वायर जैसे हिंदी में इसका शुद्ध मतलब जलाशय यानी कि पानी इकट्ठा किया गया है तो स्टोरेज डैम आपका जैसे एग्जाम्पल है ग्रेविटी डैम अर्थ डैम रॉक फील्ड ये सारी उसकी एग्जाम्पल है डायवर्जेंट डैम आपका क्या है डायवर्जेंट डैम आपका वियर हो सकता है बैराज हो सकता है क्या हो सकता है वियर या बैराज ठीक है और डिटेंशन डैम आपका डाई क्या डेबरिज डैम ठीक है ये आपके हैं अब देखो स्टोरेज तो नाम से क्लियर ही आपको ठीक है डायवर्जन डैम देखिए कुछ इस तरह से रहता है देखिए पानी आपका डैम इधर बनाया है, और आपने पानी को इधर आपने डायवर्स कर, कर, कर दिया ठीक है, है वह, उस, वो भी पानी इसमें आ रहा है आपका ठीक है दूसरा आपका टाइप है क्लासिफिकेशन बाय हाइड्रोलिक डिजाइन क्लासिफिकेशन बाय हाइड्रोलिक डिजाइन क्या है जो उसकी डिजाइन उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन एक तो आपका ओवरफ्लो है दूसरा

तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन बाई मटीरियल मटीरियल के हिसाब से तो रिजिड रिजिड डैम डैम और नॉन हो सकता है रिजिड में कौन कौन सा आएगा ग्रेविटी आर्च बट्रेस या स्टील डैम और नॉन रिजिड में अर्थ डैम या डैम नॉन रिजिड मतलब अर्थ डैम मतलब अर्थ का मतलब मिट्टी से बनाया हुआ रॉक फील्ड मतलब मिट्टी से बना हुआ और किनारों पे हमने लाइनिंग किसकी कर दी है आपके रॉक्स की किसकी रॉक्स की या बोल्डर्स की बड़े बड़े ठीक है चलो एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग ठीक है अब जो हम सिलेक्शन करते हैं साइट का ठीक है डैम बनाने के लिए वो किन चीजों पे डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ ऑफ साइट साइट फॉर डैम ठीक है कौन कौन से फैक्टर करते हैं सिलेक्शन के लिए ठीक है सबसे पहले तो टोपोग्राफी क्या हो जाएगा टोपोग्राफी जो आपके लैंड की टोपोग्राफी है दूसरा क्या हो जाएगा जियोलॉजी और फाउंडेशन कंडीशन जहां पे हमें डैम बनाना है यानी कि डैम फाउंडेशन बनाना है वो कंडीशन हमें मैने देखना होगा तीसरा आपका कौन सा मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं रॉक फिल ठीक है बना रहे हैं आर्थ डैम बना रहे हैं या जो भी ठीक है कंक्रीट वाला बना रहे हैं ये सारी चीजें और स्पिल वे साइज और लोकेशन देखो स्पिल वे साइज का क्या मतलब है कि डैम जब भी कभी हम बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी कहीं से निकलने की व्यवस्था बनाए रहते हैं एकदम से कभी नहीं रोक सकते कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा उसको निकालना ही पड़ेगा तो वो स्पिलवे कहलाता है वही चीज स्पिल वे होती है लेंथ एंड हाइट इसकी जो लेंथ और हाइट है वो भी डिपेंड करता है एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपको इतने साइज का बनाना है या बड़े साइज का डैम बनाना है ठीक है ये सारी चीजें और लाइफ कितने सालों के लिए हम बना रहे हैं डिजाइनिंग कर रहे हैं ठीक है देखो क्या होता है एक चीज कहते होंगे कि अगर डैम टूट गया किसी रीजन से फेल हो गया तो आसपास के करीब सौ गांव तबाह हो जाएंगे ठीक है अब सौ क्या पूरा जिला या स्टेट भी डूब सकता है ऐसे ऐसे बड़े बड़े डैम बन चुके हैं इंडिया में

देती है, ठीक है थोड़ा बहुत तो आपका निकलता ही रहता है ओके देखिए इस तरफ भी आपका थोड़ा सा पानी निकल ही रहा है ठीक है चलो अब इसका देखते हैं आपका रिक्वायरमेंट ऑफ गुड साइट फॉर कंस्ट्रक्शन डैम ठीक है क्या रिक्वायरमेंट होती है एक तो सुटेबल फाउंडेशन हो सकता है ठीक है और सुटेबल फाउंडेशन के लिए होता है दूसरा आपका लेंथ जो डैम की लेंथ है वो जितना ज्यादा ज्यादा स्मॉल हो सके उतना ही ज्यादा उतना स्मॉल रखना चाहिए और पानी ज्यादा ज्यादा आ जाए ऐसा कुछ हमें सोचना चाहिए ठीक है और रिवर क्रॉस सेक्शन देखना चाहिए कि, कि किस तरह से है उसका रिवर क्रॉस सेक्शन ठीक है उसके हिसाब से भी हमें मैटर करता है सारी चीजें तो ये हो गया आपका लगभग रिक्वायरमेंट अब इसके बाद आपका मेन टॉपिक आता है स्पिलवे जिससे क्वेश्चन आते हैं ठीक है जो आपने पढ़ भी रखा होगा ऑगी स्पिलवे साइड ड्रेन स्पिलवे ठीक है शाफ्ट स्पिल वे शूट स्पिले वो देखते हैं तो स्पिल वे आपका क्या है कि जैसे मैंने बताया ना कि डैम के बीच से या कहीं से भी डैम से जो पानी निकालने की जगह प्रोवाइड की गई रहती है ना वो आपकी क्या हो जाती है स्पिल वे क्या हो जाती है स्पिल वे ठीक है वही चीज आपका देखिए लिखा है ए स्पिल वे इज अ वाटर वे प्रोवाइडेड इन अ डैम ठीक है इन अ डैम थ्रू द डैम द डैम या समवेयर ठीक है सम वेयर रिमोट फ्रॉम द डैम मतलब कहीं भी हो सकती है आपका जो डैम है ठीक है इसमें कहीं भी हो सकता है तो फॉर कैरिंग द सर्फ्ल सरप्लस फ्लड वाटर फ्रॉम ए रिजर्वा सेफली टू द डाउन स्ट्रीम यानी कि जो सरप्लस वाटर आया है उसके निकलने के लिए हमने ये बना दिया सरप्लस वाटर मतलब हमें जितनी जरूरत है हमें मान लो इतना जरूरत है तो अब हमने यहाँ से स्पील पे दे दी यहाँ पानी आपका निकल जा रहा है ठीक है तो ये जो पानी निकल रहा है यहाँ से ठीक है यहाँ से ये जो पानी निकल रहा है अब ये पानी किस हिसाब से निकल रहा है वही मैंने जहां पे करना था उसी के लिए कुछ अलग अलग टाइप के स्पिल वे होते हैं कि पानी जब निकल रहा है तो कुछ एनर्जी लेके निकल रहा होगा एनर्जी उसकी डिसिपेट करने के लिए उसके हिसाब का हमें स्पिलवे देना होगा तो तरह तरह के डिस वही फिर स्पिल वे प्रोवाइड करते हैं ओके ये हो गया आपका स्पिल वे अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है ठीक है इसेंशियल इसकी रिक्वायरमेंट क्या है एक तो आपका है कम इसकी सफिशियंट कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम ठीक है ताकि पानी इजली निकल सके और इसका ये स्ट्रक्चरली या हाइड्रोलिकली हाडु, आपका एकदम मजबूत होना चाहिए अच्छे से और पानी आपका सेफली डिस्पोज हो सके इस तरह से इसका लोकेशन सेट करना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि आपने इतना ज्यादा पानी भर लिया कि फेलियर की कंडीशन में आ गया और इस पिलवे का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया ओके ये सारी चीजें ठीक है और जो पानी आपका निकल रहा है ठीक है जैसे आपका जो पानी निकल रहा है स्पिल वे से ठीक है ये इसकी एनर्जी जो पानी में वाटर में जो एनर्जी है वो डिसिपेट भी हो हमें उस तरह का एनर्जी आपका उस तरह का हमें स्पिलवे लगाना चाहिए पानी आपका की वाटर की जो एनर्जी है वो ईजिली डिसिपेट भी हो जाए ओके चलो ठीक है अब देखते हैं एक एक कौन कौन से टाइप है स्पिल वे की कौन कौन से टाइप है ठीक है

ज्यादा पानी निकालने देना चाहिए ठीक है कहते हैं ना कि डैम खोल दिए गए हैं सारी नहरें भर गई हैं तो वो क्या मतलब होता है कि जित वो जो इमरजेंसी स्पिल पे बनाया गया रहता है ना उस टाइम काम आते हैं कि वाटर लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जो स्पिल पे छोटे छोटे बनाए रहते हैं इससे इतना ज्यादा डिस्चार्ज निकल नहीं पाता है तो हमें क्या करना पड़ता है इमरजेंसी स्पिल पे खोलना पड़ता है जिससे पानी जल्दी जल्दी निकल जाए और डैम आपका फेल ना हो ठीक है क्लियर चलो

मेन रिवर है है ठीक देखिए और जैसे इमरजेंसी स्पिल वे ठीक है एमरजेंसी स्पिले आपका है कि कहा कब प्रोवाइड किया जाता है जब कोई इमरजेंसी आ जाए नाम से क्लियर कोई इमरजेंसी आ जाए तो इस तरह के आपके स्पिलवे ओपन कर दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा जो वाटर आ गया है वो निकल जाता है दूसरा आपका है बेस्ड ऑन द प्रोमिनेंट फीचर पर्टेनिंग टू द टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्पिल वे स्पिले में ठीक है बेल्ट ऑन प्रोमिनेंट फीचर जैसे पहला आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल वे या फ्री ओवरफॉल स्पिले दूसरा ओगी स्पिल वे या ओवरफ्लो फ्लो स्पिले तीसरा साइड चैनल चौथा शूट या ओपन चैनल और ट्रफ स्पिले चौथा है आपका शाफ्ट स्पिले या मॉर्निंग ग्लोरी स्पिल वे लास्ट पांचवा था ये लास्ट आपका साइफन स्पिल वे और यही आपके पूछे जाते हैं कभी कभी ठीक है तो इसको ध्यान से पिक्चर वगैरह सब दिखाएंगे देख लीजिए ठीक है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल वे होता है जो देखिए डायरेक्ट पिक्चर के थ्रू समझिए स्ट्रेट ड्रॉप ये देखिए पानी निकल रहा है, तो ये बस आपका ये ये होता है। और स्पिल वे विद ओवर हैंगिंग लिप ये आपका है थोड़ा सा आगे तक हमने बढ़ा दिया तो ये आपका यहाँ पे जा रहा है तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे स्प्रेड होती है तीसरा आपका स्पिल वे विद डाउन स्ट्रीम प्रोडक्शन वर्ग यानी कि यहाँ पे हमने व्यवस्था कर दिया कि जो पानी गिरे यहाँ थोड़ा पानी पहले ही भरा रहेगा क्योंकि इतना उठा दी इतना पानी भरा रहेगा तो एनर्जी भी यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगी ये आपका स्ट्रेट आपका ड्रॉप है, है? ड्रॉप स्पिल स्पिल वे वे है है ठीक स्ट्रेट और ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है स्पिल वे का क्या होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका स्पिल वे का ठीक है ठीक है ये आपका है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल वे ये आपने भर रखा है पानी ठीक है यहाँ मतलब डैम है आपका इतना पानी आपका भरा हुआ है तो क्या है कि यहां देखिए इजिली बस आपका पानी जा रहा है गिर जा रहा है ये आपका क्या होगा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिले ठीक है अब देखिए इसके बाद है आपका ऑगी ऑगीवे क्या है आपका ऑगी स्पिले ठीक है ऑगी स्पिले क्या होता है ये ग्रेविटी डैम में जनरली प्रोवाइड किया जाता है ठीक है और इसका जो प्रोफाइल बनता है वो एस शेप में बनता है किसमें एस शेप में ठीक है देखिए जनरली इसका फोटो देखिए ये आपका है ऑगी स्पिले जिसमें आपका एक एक शार्प एक बन रहा है ठीक है और दूसरा आपका है है डिजाइन डिजाइन फ्लो दिजाएं फ्लो के हिसाब से जो बनाया गया वो आपका ये है और तीसरा ऑगी विद ग्रेटर फ्लो जब ज्यादा फ्लो हो जाए तो उसके लिए आपका ऑगी इस तरह का ऑगी स्पिले है। अब इसकी देखिए पिक्चर देखते हैं ये है आपका ऑगी स्पिले इधर आपका ग्रेविटी आ, डैम बना हुआ कह सकते हैं एक तरह से पानी यहाँ पे रुका हुआ जब पानी बढ़ गया तो ये आपका जिस ये पानी जो यहाँ से आएगा ठीक है ये आपका यही ये होगा ऑगी चलो ठीक तीसरा है अपने पास ठीक है तीसरा है साइड चैनल स्पिल वे साइड चैनल स्पिल वे का मतलब जब आप एक अलग से प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है देखिए साइड चैनल स्पिल वे का मतलब आपका डैम यहां पे है ठीक है कहां है डैम आपका यहां पे है और आपने अलग से यहां बगल से स्पिल भी दे दिया यानी कि यहां पे आपने पानी निकलने की व्यवस्था नहीं की कहीं भी आपने पानी निकलने की व्यवस्था पहले ही कहीं पे कर दी और पानी को एक तरह से डायवर्टर डायवर्जन भी कर दिया स्पिल वे का काम भी हो गया और पानी भी आपका जो एक्स्ट्रा वाटर था जो सरप्लस वाटर था एक्स्ट्रा डिस्चार्ज था या पानी की वजह से फ्लड की वजह से जो पानी बढ़ गया था वो आपका यहां से निकल गया साइड चैनल से अलग से एक जो चैनल दे दिया ठीक है तो वो आपका और इस जगह पर हम क्या बनाते हैं वीयर ही जनरली बनाते हैं ताकि वियर तक की हाइट तक का पानी भरा रहेगा वियर की हाइट तक उसके ऊपर जो पानी जब बढ़ेगा तो वहां से बह करके ओवरफ्लो होकर के यहाँ पे चला आएगा ठीक है क्लियर चलिए और देखिए यहाँ पे आगे, आगे आपके बैफल ब्लॉक्स बनाए गए रहते हैं ठीक है पानी जिससे एनर्जी वगैरह इजिली डिसिपेट हो जाए ठीक है चलो देखिए ये आपका हो गया साइड चैनल स्पिल वे ठीक है इसमें बता ही दिया फिर देखिए ये आपकी पिक्चर है साइड ये आपका मेन डैम है यहाँ पे आपकी साइड चैनल यहाँ पे इजिली बनी हुई है फिर आपका है श्यूट स्पिल वे क्या है आपका है श्यूट स्पिल वे इसमें आपका डैम यहाँ पे है और हम क्या किए पहले ही यहाँ पे क्रश वगैरह दे दिए थोड़ा सा हाइट दे दिए और यहाँ से अपने हमने निकाल लिया श्यूट स्पिल वे ठीक है ये इसका स्कीमेटिक व्यू है इसका प्लान है और ये उधर सेक्शन है ठीक है देखिए इसमें आपको दिखाते हैं ठीक है शूट स्पिल देखिए ये आपका है शिव डिस्प्ले वे और कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका डैम कहीं और है और शिव डिस्प्ले वे यहाँ पे पूरा बनाया गया कि इसको ऑपरेट किया जा सकता है रेगुलेट किया जा सकता है इजिली ये आपका शिव डिस्प्ले वे ठीक है क्लियर कुछ इस तरह से आपका ये बना रहता है ठीक है और इसमें देखिए क्रेस सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पे देखिए आपने फोटो देखी थी वही चीज वहां पे भी दिखा मैंने और डैम आपका देखिए यहाँ पे है और आपका क्रिस्ट यहाँ दे दिखा पहले से ही आपने काफी पहले ही व्यवस्था कर दी साइड चैनल नहीं काफी पहले ही व्यवस्था कर दी वो आपका हो गया क्या शूट श्यूट स्पिले ओके फिर उसके बाद आता है आपका शाफ्ट स्पिल वे क्या है आपका शाफ्ट स्पिल इस वे इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या कर देते हैं एक तक हम पानी हमें रखना ही रखना है डैम में फिर क्या करते हैं जैसे इतना हाइट तक हमें पानी रखना है यहाँ पे फिर क्या करते हैं ऐसे एक पाइप प्रोवाइड कर देते हैं कि इससे ज्यादा पानी होगा तो अपने आप ही पानी इसमें जाने लगेगा ठीक है अपने आप ही पानी इसमें जाने लगेगा वही हो गया आपका स्पिल स्पिल देखिए ये आपके डैम है 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 ठीक है? और और पे स्पिल वे इनलेट बना है और आउटलेट यानी कि पानी जो बढ़ा अपने आप इनलेट में चला जाएगा और आउटलेट से निकल जाएगा देखिए यहां पे आपको दिख रहा है पानी बढ़ा तो इसमें अपने आप चला जाएगा और फिर यहां से होते हुए बाहर निकल जाएगा अब इसका देखो एग्जाम्पल इसका इसका पिक्चर देखते हैं ठीक है देखिए ये है आपका शाफ्ट इस फिल ठीक है देखो जो पानी एक्स्ट्रा आया वो आपका अपने आप ही इसमें चला गया इनलेट में और आउट आउटलेट से अपना बाहर निकलेगा कहीं बाहर अपना वापस से चैनल में मिल गया ये आपका हो गया क्या स्पिल पे कौन सा शाफ्ट स्पिल पे ठीक है ठीक है क्लियर देखते जाओ पिक्चर देखते जाओ अपने आप ही क्लियर होगा ठीक है देखिए कुछ इस तरह से आपका रहता है ये आप, आई होप आपको दिख रहा होगा ठीक है देखिए आपका ये तो बगल में रोड है यहाँ पानी आपने रखा, कर दिया तरह से आपका ये शाफ्ट रहता है ऐसा, ऐसा नहीं कि बस एक छोटी सी पांच इंच की छह इंच की चौड़ाई की पाइप लगा देते हैं इतना नहीं है ये आपका बहुत बड़ा शाफ्ट होता है ठीक है आपका ये बहुत बड़ा शाफ्ट होता है ठीक है देखिए ठीक है इतना बड़ा ये पाइप आपका शाफ्ट है ठीक ये अब हो गया आपका शाफ्ट स्पिलवे इस फिर इसके बाद आता है आपका साइफन स्पिलवे क्या है आपका साइफन स्पिलवे अब देखिए साइफन स्पिलवे में हम क्या करते हैं कि हम अंदर ही अंदर एक साइफन प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू आपका पानी बाहर निकल जाता है एनर्जी भी डिसिपेट हो जाती है और आपका कोई भी मतलब स्कोरिंग की कंडीशंस स्कोरिंग कंडीशन जनरेट नहीं होती है ठीक है देखिए लिखा है, इट इज कंड्यूट सिस्टम ठीक है ये इसमें हम करते हैं ठीक है अब देखिए इसका भी पिक्चर देखते हैं, ठीक है? इसका पिक्चर, ये है आपके पास ठीक है साइफन स्पिले देखिए साइफन स्पिले आपने देखिए यहाँ पे पानी आपका आया डैम के अंदर अंदर ही आपका क्या बना है वो जो पाइप वाली व्यवस्था आपने पहले की थी वो शाफ्ट हो गया था पाइप की व्यवस्था आपने अगर डैम के अंदर अंदर से ही कर दिया तो वो आपका हो गया साइफन स्पिल वे ठीक है साइफन स्पिले ठीक है इतना ही है ठीक है और ये आपका ठीक है देखिए ये साइफन स्पिलवे ठीक साइफन स्पिलवे देखिए यहां तक पानी आपका भर गया तो अब इसके बाद फिर यहां से जो भी बड़ा अपने आप ही यहां पे बाहर इधर निकल गया ये आपका साइफन स्पिले ठीक है

जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो आउटफ्लो को कंट्रोल करता है जो पानी आपका डिस्चार्ज हो, मतलब, हो, तो हो रहा है निकल रहा है उसको मेंटेन में रेगुलेट करता है ये आपका आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर का का काम होता है 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 कंपोनेंट्स कन्वेयंस मतलब नाम से से क्लियर कि एक जगह जगह दूसरी कन्वेयर बेल्ट आपने पढ़ा होगा बीएमसी में तो कन्वेयंस मतलब कन्वेन्स हो रहा है ठीक है जा रहा है वो स्ट्रक्चर यानी कि आपका जो पानी है ठीक है वो आपका एक जगह आप से दूसरी जगह अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है वो आपका

एग्जिट चैनल ये चार कंपोनेंट आपके होते हैं ठीक है ये हो गया आपका पूरा स्पिल वे ठीक है स्पिल वे आपका ये पूरा ठीक है स्पिल वे अब इसके बाद देखते हैं देखिए इसके बाद आपका है ठीक है एनर्जी डिसिपेटर के बाद आ, फिर इसका बाद स्पिल वे के बाद आता है आपका एनर्जी डिसिपेटर अब देखो एनर्जी डिसिपेटर में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है देख लेना एनर्जी डिस्पेटर हम जो स्पिल वे बना रहे थे उसमें जो एनर्जी है वाटर जब स्पिले से निकल रहा है वो एनर्जी डिसिपेट हो जाए इसीलिए इतने तरह तरह के हमने देखे ठीक है तो वो जो एनर्जी डिसिपेशन का काम है ठीक है ये हम अप्रीम से डाउन स्ट्रीम जब पानी जा रहा होता है तो वहीं पे करते हैं ठीक है एक तरह से आपका एनर्जी डिसिपेटर कहाँ पे एट द टो ऑफ ए स्पिल वे पे यानी कि स्पिल वे के टो पे हम व्यवस्था करते हैं तो पानी जो है पानी में जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाए क्या है मतलब वो खत्म हो जाए कम हो जाए जिससे कोई भी स्कोरिंग की कंडीशन बेड में ना आए ठीक है अब डाउन स्ट्रीम साइड में तो वही चीज है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं हम उस डिसिपेशन के लिए एनर्जी डिसिपेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोलिक जम्प कंडीशन को बना सेट कर सकते हैं कि पानी जो निकल रहा है वो कुछ हाइड्रोलिक जम्प के थ्रू क्लियर हो जाए खत्म हो जाए डिसिपेट हो जाए एनर्जी तो वहां पर हम क्या करते हैं फ्रॉड नंबर आपने पढ़ा होगा ठीक है फ्राउड नंबर आपने याद होगा फ्राउड नंबर का क्या था ठीक है ग्रेविटी फोर्स अंडर रूट, उसके थ्रू हम ठीक है फ्राउड नंबर ने कुछ हमें बताया कि कुछ चीजें इतना इतना हमें वैल्यू रखेंगे तो आपका इस जंप से के थ्रू आपका एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी ठीक है देखिए यहाँ पे है भी हाइड्रोलिक जम्पे सडन एंड टर्बुलेंट पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल स्टेट सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल स्टेट में आपका ये क्या है एक तरह से पासेस ऑफ वाटर पानी की पासिंग है ठीक है हाइड्रोलिक जंप और ये क्या होता है देखिए हाइड्रोलिक जंप जो आपका है द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन अ जंप वेरियस विद द टाइप ऑफ जंप यानी कि जितना आपका एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो वेरी करती है किस टाइप का आपका जंप है ठीक है और यही टाइप आपसे एस एस सी वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता और यहां पे कोई जंप की कंडीशन नहीं रहेगी फ्रॉड नंबर अगर वन से वन पॉइंट सेवन है तो वाटर सर्फ्लेस जो है वो सो अंडूश, 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 क्या बोलेंगे? और आपका

स्ट्रॉ जम्प ठीक है तो आप इसको कैसे याद रखोगे सत्रह पच्चीस पैंतालीस और नब्बे कुछ कह लो ठीक है जैसे फोन नंबर याद रखते हो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एक आगे कर लेना एक से वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन से वन टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव से फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव से नाइन और नाइन से एब ठीक है पहला आपका क्या है क्रिटिकल जंप है ठीक है दूसरा आपका अंडर ठीक है तीसरा आपका क्या हो जाएगा वीक चौथा ऑसिलेटिंग फिर स्टडी और लास्ट में strong. कुछ इस तरह से आपको याद रखना होगा ये आप कुछ सत्रह पच्चीस पैंतालीस कुछ ऐसे ही याद रख लो ठीक है क्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वाइज में ठीक हम्म याद रहेगा ये या आपके एसएससी में हर साल पूछा जाता है हर साल ये आपके एसएससी में पूछा जाता है बेटा ठीक है

स्ट्रॉन्ग ठीक है तो कुछ तो इस तरह से आपको याद रखना है सी यू डब्ल्यू एस एस आपका क्रिटिकल अंडुलेटिंग वीक ऑसोलेटिंग स्टेडी और स्ट्रॉन्ग ठीक है इसमें एस टी कर लो क्लियर स्टेडी और स्ट्रॉन्ग और ये डिजिट से याद रखिए ठीक है, है चलो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको नोट कर लेना कहीं पे ठीक है अब देखते हैं कौन कौन से इस जो आ, कौन कौन से गेट होते हैं कितने टाइप होते हैं गेट के जो इस के क्रेस्ट पे लगाए जाते हैं यानी कि जहां से इस से पानी निकल रहा होता वहां कौन कौन से गेट किस टाइप के लगाए गए रहते हैं तो पहला आपका है फ्लैश बोर्ड ये देखिए ये है आपका फ्लैश बोर्ड या आपका डैम या बियर बैराज कुछ भी है ये डाउन स्ट्रीम साइड यहाँ फ्लैश बोर्ड लगाया अब इसके ऊपर से आपका देखिए फ्लैश बोर्ड इस तरह से है ये आपका पानी यहाँ से आपका निकलता है ये आपका फ्लैश बोर्ड हो जाएगा दूसरा आपका रहता है वर्टिकल लिफ्ट गेट वर्टिकल लिफ्ट गेट में आपका ये जो लिफ्ट है आप इसम से हमने क्या कर दिया इसको उठा दिया और ठीक है और इनके बीच में ब्रिज भी बना दिया ब्रिज बिगर और यहां से आपका पानी उधर से पास हो गया तीसरा आपका होता है रेडियल गेट रेडियल गेट में आप देखिए ये आपका क्रेस्ट है हमने इसको और बढ़ा दिया ठीक है गेट को पानी उसके हाथ से पास हो रहा है लास्ट आपका ड्रम गेट है ठीक है

अब कोई आपकी पिक्चर तो नहीं रहेगी ठीक है देख लेते हैं ठीक है हाँ, पिक्चर भी आपका सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है तो ये हो गया आग देखो आज लगभग सारी चीजें आप, आप हो गई अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा क्योंकि सारे टॉपिक लगभग क्लियर हो गए ठीक है क्योंकि देखो जब भी आप कभी पढ़ते हो कैनाल रेगुलेशन वर्क कैनाल हेड वर्क क्रॉस रेगुलेशन क्रॉस ड्रेनेज वर्क और आपका ये रिवर ट्रेनिंग वर्क ये चारों जब एक साथ पढ़े रहो ना तब क्वेश्चन लगाओ तब आपका मजा आता क्योंकि फिर रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे से जो आते रहते हैं या एक ही जगह पे आ जाते हैं तो कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होती है अब क्वेश्चन एक दो दिन करेंगे मस्त मस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका मैंने पहले ही बताया कि कैनाल डिजाइन के बाद और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिर यही सारी चीजें बचती हैं और घुमाने वाली चीजें इसी में है कैनाल डिजाइन तो एक बार आपने अच्छे से लेक्चर देख लिया ले होगा तो क्लियर हो जाएगा

इसमें के कुछ क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया ठीक है तो उसमें कल से टाइम से आना और बारह बजे से ही क्लास रहेगी कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी बारह बजे से ही आपकी क्लास रहेगी हमेशा तो इसके लिए टाइम के लिए कंफ्यूज मत होना टाइम से आप लोग कोशिश किया कर आ जाया करो ये जो एड थोड़ा ज्यादा चल जाता है तो क्या होता है कि कोई जैसे क्या होता है कि टाइम आपसे आप लोग आए नहीं देते तो थोड़ा वेट हो जाता है एग्जैक्ट तो बारह बजे तक आ जाया करो ठीक है बज के एक मिनट से क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी ठीक है ठीक है थैंक यू अब आगे ठीक है बाकी की क्लास अब कल कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन अच्छे-अच्छे लेके आएंगे में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाना आप लोग ठीक है टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और ज्वाइन हो जाओ ओके सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगी ठीक तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में लव यू ऑल थैंक यून थैंक यू सो मच